तो लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आजकल सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? तो बेटा ऑस्मोसिस समझने से पहले पहले हम ऑस्मोसिस समझें, उससे पहले हमें एक चीज और समझनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तभी हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क समझ सकेंगे और तभी बाकी सारी चीजें समझ सकेंगे। तो पहली बात जो हमें पढ़नी है यहां पर वो है बेटा डिफ्यूजन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन किस चीज को बोलते हैं? सबसे पहली बात समझिएगा डिफ्यूजन क्या होता है। मान लो आपने क्या किया, एक सेंट की शीशी ली ठीक, और अपने कमरे में कहीं खोल दी, तो क्या उसकी खुशबू सारी जगह पर फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ऑब्वियसली फैल जाएगी। सो दैट इज डिफ्यूजन। जैसे बेटा मैंने क्या किया कि मैंने एक ये वेसल ले लिया ठीक है जी। इस वेसल में बेटे मैंने कोई मान लो सॉल्वेंट ले लिया, इस वेसल में मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया ठीक से, ये सॉल्वेंट है मेरे पास ठीक है जी, और इसमें मैंने एक कोई क्यूब किसी चीज का डाल दिया से, यहां पे मैंने एक क्यूब डाल दिया है किसी भी चीज का ठीक, जैसे शुगर का क्यूब मैंने इसमें डाल दिया है। अब होगा क्या, ग्रेजुएट ग्रेजुएट क्या होगा कि ये जो शुगर का क्यूब है इसकी शुगर यहां की तरफ को मूव करनी शुरू हो जाए ठीक है जी। सो आफ्टर सम टाइम, अगर आप थोड़े टाइम बाद देख कि हमारे इस वेसल के अंदर क्या हुआ, जैसे ये वेसल था और इस वेसल के अंदर मेरे पास बेटे जी ये मान लो ये सारा लिक्विड है ठीक है जी, और हमारे पास ये जो शुगर है ये सारी इधर उधर बिखर गई, यहां बहुत छोटा सा लंप रह गया ठीक, बाकी सारा कुछ इधर उधर बिखर गया। तो दिस फ्लो फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, दिस फ्लो फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर इतनी जगह पर कंसेंट्रेशन वॉज हाई एंड हियर कंसेंट्रेशन इज लो, तो फ्लो ऑफ अ सब्सटेंस या कोई भी चीज, फ्लो ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज टू बी फ्लो ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं ठीक, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो फ्लो है पार्टिकल्स का वो डिफ्यूजन कहलाता है। सर अब आपने एक नई चीज लिख दी सर, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है सर? बेटा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई से लो की तरफ, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। एंड देयर इज ऑलवेज अ फ्लो फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बेटा कहीं पर पानी ज्यादा डाल दोगे अपने आप को मूव कर जाएगा उस साइड जहां पे कम पानी होगा, कहीं पे परफ्यूम खोल दोगे ज्यादा जहां से परफ्यूम ज्यादा होगा वहां से कहां फ्लो करने लगेगा, जहां पे कम होगा। तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन होता है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज टू बी डिफ्यूजन। ऑन द अदर हैंड
एक टर्म हम और पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। नाउ अगली टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होती है इसका थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें समझाता हूं। ठीक, देखो बेटे हमने क्या किया, हमने एक वेसल ले लिया, ठीक है जी, ये वेसल ले लिया। इस वेसल के अंदर आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट को ले लिया भाई, जैसे वाटर ले लिया, वी टुक वाटर इन दैट, ठीक है जी। और उसके अंदर मैंने एक थीसल फनल लगा दी, ये एक थीसल फनल है जिसको उल्टा करके मैंने लगा दिया है। और थीसल फनल के मुंह पर यहां पर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है विच इज कॉल्ड ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर, अभी बताता हूं मैं तुम्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो बेटे आगे ना कभी भी अगर ऐसे लिख दिया जाए SPM तो समझ लेना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी और हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बेटे इस थिसल फनल में शुगर सॉल्यूशन ले लिया है। वी हैव टेकन हियर शुगर सॉल्यूशन, और ये बाहर हमने सिंपली लिया था वाटर, ठीक है। अब जहां पे शुगर सॉल्यूशन था वहां पे हमने एक ना लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, एक मार्क लगा दिया, जहां तक शुगर सॉल्यूशन था वहां तक हमने एक मार्क लगा दिया है। अभी क्या हुआ कि हमने इसको पड़े रहने दिया, ठीक, पड़े रहने दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या हो गया कि ये जो वेसल था, ठीक, ऐसे ही वेसल था बेटा, ठीक। अब क्या हुआ, जो वाटर है उसमें ये पड़ा हुआ है, और वैसे ही बेटे हमारे पास थीसल फनल जो है ये इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, और ये इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। नाउ अभी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो इसका जो पहला निशान था वो ये था, पहला निशान ये था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम देखेंगे, ठीक, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो हमारे पास निशान से भी ऊपर आ गया होगा शुगर सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन निशान से ऊपर आ गया होगा। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, व्हाई इट हैज हैपेंड। देखो बेटे यहां पे, यहां वाटर था ऑब्वियसली, यहां पे कंसंट्रेशन वाज लो। देखो बेटा कंसंट्रेशन टर्म ओनली अप्लाइज टू सॉल्यूट। बहुत सारे लड्डू लोग सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बोल देते हैं, लड्डू ही होते हैं, ठीक। आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि कंसंट्रेशन टर्म अप्लाइज टू सॉल्यूट ओनली, नॉट टू सॉल्वेंट। तो जब हमने बोला वाटर प्योर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली यहां कंसंट्रेशन इज लो, ये लो कंसंट्रेशन है। और शुगर सॉल्यूशन जहां शुगर ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पे हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहां से अंदर चला जाता है, सॉल्वेंट यहां से अंदर चला जाता है। जैसे सॉल्वेंट अंदर को फ्लो करेगा तो सॉल्वेंट यहां भरता जाएगा और इसकी वजह से ये लेवल से ऊपर चला गया। सो दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ठीक, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
परमीएबल मेम्ब्रेन, परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मतलब यहां समझो, जहां कंसेंट्रेशन कम थी वहां से सॉल्वेंट कहां मूव कर गया, सॉल्यूशन की तरफ, प्योर से सॉल्यूशन की तरफ। तो बोला फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, या ऐसा भी तो बोल सकते हो ना भाई कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इसको बेटे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको मेरे बच्चे ऑस्मोसिस बोल देते हैं। जब हमारा सॉल्वेंट लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन फ्लो करे, यानी बोल सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, पहली बात ऑस्मोसिस हमेशा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट नहीं, जबकि डिफ्यूजन फ्लो किसी भी पार्टिकल्स का हो सकता है। यहां फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा, हम बोल रहे हैं लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। नाउ इससे पहले कि हम आगे चले, पहले इन दोनों में थोड़ा सा फर्क जान ले कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिक फर्क क्या है। देखो बेटा, इन दोनों में सबसे बेसिक फर्क तो क्या है, सबसे बेसिक फर्क तो है मूवमेंट, ठीक, मूवमेंट। हमने देखा यहां मूवमेंट जो है वो फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन है, यहां पार्टिकल्स की मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट है, सॉल्वेंट की मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर, जबकि आपने यहां पढ़ा था कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये हायर से डिफ्यूजन, हायर से लोअर की तरफ, और ऑस्मोसिस लोअर से हायर की तरफ मूव करती है। एक तो उल्टा हो गया बेटा जी, समझ में आई। फिर ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जबकि डिफ्यूजन कैन बी फ्लो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी भी साइड को बोल सकते हैं हम इसमें, ये किसी भी पार्टिकल का हो सकता है बेटा जी, ठीक है, ये किसी भी पार्टिकल का हो सकता है। लेकिन खास बात बेटा, ऑस्मोसिस में वी नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जबकि यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। यानी हम यहां पे एक फर्क ये भी लिख लेंगे कि यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड, यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, बट यहां पे नो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड, यहां किसी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो पहली, अगर आपसे बेटे हमें बोल दिया गया दोनों में डिफरेंस लिखो, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो सबसे पहला तो हमारे पास ये था कि डिफ्यूजन इज अलोंग फ्लो अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्लो अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और जबकि हमारे पास ऑस्मोसिस इज फ्लो अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट और ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, यानी यहां पे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट है, यहां लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मूवमेंट है।
यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए जबकि यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। अगली बात है डिफ्यूजन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, रोकी नहीं जा सकती, अपने आप होगी। ठीक, डिफ्यूजन कैन नेवर बी प्रिवेंटेड। ठीक, मैं तुम्हें बोलता हूं बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ो। क्यों आप बोलते हो सर हम पढ़ेंगे क्या होगा? अरे पढ़ेंगे, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो फोकस है, आपका जो व्हाट यू कैन से ऑरा है, वो सारी जगह अपने आप फैलेगा। क्यों? उसको कोई रोक नहीं सकता। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जब भी कोई चीज मूव करती है कोई उसको रोक नहीं सकता है। समझ में आई? सो डिफ्यूजन कैन नेवर बी प्रिवेंटेड, डिफ्यूजन कभी भी प्रिवेंट नहीं की जा सकती। हम ये बोल सकते कैन नेवर बी प्रिवेंटेड, कैन नेवर बी प्रिवेंटेड। ठीक, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते जबकि दिस कैन बी प्रिवेंटेड, इसको रोका जा सकता है। ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, डिफ्यूजन को नहीं रोका जा सकता है। ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे करेंगे वो आगे हम समझेंगे। ठीक, ऐसा बोल लो जिस प्रेशर से ये ऊपर को जा रहा था उसके ऊपर यहां से उतना ही प्रेशर लगा दो, एक पिस्टन लगा दो उतने प्रेशर से, जितने प्रेशर से पानी ऊपर जा रहा था उतना प्रेशर ऊपर से लगा दो, पानी नहीं मूव करेगा भाई। सो इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है जी, ये प्रिवेंट की जा सकती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट दो तीन बातें आपने समझ ली होंगी कि एक तो ये अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये हायर से लोअर कंसेंट्रेशन, ये लोअर से हायर कंसेंट्रेशन। यहां किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, दिस कैन बी प्रिवेंटेड। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड यू कैन से ऑस्मोसिस। मोर ओवर ऑस्मोसिस इज ऑलवेज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जब डिफ्यूजन इज फ्लो ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीशीज, मे बी सॉल्वेंट, मे बी सॉल्यूट, किसी की भी मूवमेंट हो सकती है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी जल्दी यस लिखो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी करना। ओके, कार्तिक एन का यस आ गया मेरे को, भावना दिया, सुखमन बेटे समझ में आएगा तो यस करने का जल्दी। अदिति, अवनीत, सुखमन, यस। ओके, देखो बेटे अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ऑस्मोसिस होती क्यों है सर जी? चलो डिफ्यूजन का तो हमें समझ में आया कि कंसंट्रेशन ज्यादा थी उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ चल पड़ा, तो चलो समझ में आता है। लेकिन ऑस्मोसिस का कॉज क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑस्मोसिस? ठीक, देखो जी अब हम यहां पे कॉज ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। कॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्यों होती है? व्हाई वी हैव ऑस्मोसिस? देखो बेटे इसको समझने के लिए मैंने एक वेसल ले लिया, और इस वेसल में बेटे मैंने ऐसा किया कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक, आई पुट हियर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर बड़ी बार आपने एक बात बोल दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ये तो अभी तक नहीं बताई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या। बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं विच अलाउज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट ओनली, जिसके थ्रू सॉल्यूट पास नहीं हो सकता, इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे? विच अलाउज the movement या passage बोल लो, passage of solvent only, जो सिर्फ solvent को ही pass करवा सकती है, solute particles को pass नहीं करवा सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको semi permeable membrane बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछते what is a semi permeable membrane, तो आपने बोल देना जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि इसके पोर्स जहां इसकी जो सीव्स होती हैं, सीव छलनी सीव्स होती हैं, ये पोर होती है, देयर टू स्मॉल, बहुत छोटी होती है। तो इसमें से जो होता है ठीक सिर्फ और सिर्फ पास ऑन क्या हो सकता है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट पास ऑन नहीं हो सकता, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है।
सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई कैसे जाती है? देखो बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, एक होती है पर जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, एक तो नेचुरल हो सकती है और दूसरी उस पर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब नेचुरल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना वो बनाई जाती है बाय गोट ब्लैडर, जो बकरी होती है उसका ब्लैडर निकाल दिया जाता है, गोट ब्लैडर, ठीक, या फिर पिग ब्लैडर, ठीक, पिग ब्लैडर, ठीक, इनसे, पिग के ब्लैडर से, गोट के ब्लैडर से, काऊ के ब्लैडर से, इनके ब्लैडर से बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, ठीक है, विच इज नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, विच इज नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर बेटा जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दे आर नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं होती है, ये परफेक्ट नहीं होती है बेटा, ठीक, दे डो नॉट बिहेव परफेक्टली, इसलिए हमें आर्टिफिशियली बनानी पड़ी। और बेटा इसका ना क्वेश्चन भी आ गया बेटा कंपटीशन में ऑलरेडी, ठीक, ऑलरेडी वी हैड अ कंपटीशन क्वेश्चन, ठीक, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बनाई जाती है? तो बेटा आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, जिलेटिनस, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक, कॉपर फेरोसाइनाइड की अगर हमारे पास जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बना दिया जाए, फॉर्मूला Cu2FeCn का होल सिक्स, ये कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, तो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड से या फिर जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बेटा इससे बनाई जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट से या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड से, और ये आइडियली बिहेव करती हैं, इनका पोर साइज बहुत छोटा होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को मूव करने देती हैं, फ्लूइड को मूव नहीं करने देती हैं। तो फटाफट से बोलो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस, क्विकली, चलो शाबाश। अब देखो बेटे हम यहां पे कॉज पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस होती क्यों है, रीजन पढ़ रहे हैं, ठीक, व्हाई देयर इज ऑस्मोसिस। देखो बेटे हमने क्या किया, यहां पर एक सोल्यूशन ले लिया से, यहां पे वन मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, मान लिया ये वन मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक, और एक दूसरा इतना ही वॉल्यूम लिया, सब कुछ बराबर, लेकिन यहां पे टू मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, ये टू मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बेटे हमारे पास ये वेपर प्रेशर लग रहा होगा, इसके ऊपर जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लो वो पी वन है, ठीक है जी, और इसके ऊपर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी टू है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ठीक, मैं पूछता हूं तनिष्का आपसे पूछ लेता हूं बेटा, पी वन बड़ा कि पी टू बड़ा? पी वन बड़ा। देखो बेटे हमें अच्छे से जानते थे सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे, आर्यन ध्यान से सुन, सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, तो यहां मोल फ्रैक्शन ज्यादा था तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कहने का मतलब यह हो जाएगा
कि हमारे पास ऐसे केस में अगर देखेंगे तो हम ये अच्छे से जानते थे कि मोर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मोर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लेसर इज द वेपर प्रेशर, लेसर इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उतना कम होगा जितना कंसेंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा होगी, और इस वजह से हमारे पास P1 is greater than P2 होगा। बिल्कुल सही बोला था तनिष्का ने कि P1 will be greater than P2, यानी यहां प्रेशर ज्यादा लग रहा है और यहां प्रेशर कम लग रहा है। जब यहां प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बेटा यहां से सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां से यहां मूव करने लगेगा, यहां से यहां मूव करने लगेगा, क्यों? ऊपर प्रेशर ज्यादा भाई, पर क्योंकि इन पोर्स में से सॉल्यूट तो जा नहीं सकता, क्या सॉल्यूट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो क्या मूव करेगा? सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करने लग जाता है। तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों साइड का प्रेशर बराबर ना हो जाए, ठीक? तो सॉल्वेंट स्टार्ट्स मूविंग, सॉल्वेंट स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम, मान लो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ए टू बी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक? अंटिल टिल P1 बिकम्स इक्वल टू P2, जब तक P1 और P2 बराबर ना हो जाए ये सॉल्वेंट फ्लो करता रहेगा, और इसी वजह से बेटा हमारे पास क्या हो गया? ऑस्मोसिस हुई, यानी ऑस्मोसिस का जो कॉज है वो कॉज है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, अबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर का डिफरेंस होना, तो जहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड से कहां मूवमेंट होगी? द मूवमेंट ऑफ, the movement of solvent is from the solution having having high vapor pressure to low vapor pressure, क्यों जी? Movement of solvent is from the solution having high vapor pressure to low vapor pressure. इस वजह से आपके पास क्या होती है? Movement होती है जब तक कि vapor pressure बराबर ना हो जाए, दोनों side का pressure बराबर ना हो जाए तब तक osmosis होता चला जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, cause समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो जल्दी, cause समझ में आया कि नहीं आया? Definitely मेरे बच्चों को आ गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक? सर एक बार लास्ट लाइन दोबारा समझा दो। बेटे देखो, हमने बोला कि यहां से यहां मूव कर रहा है, यानी फ्रॉम द हायर वेपर प्रेशर टू लोअर। अरे भैया, जहां यहां पे धक्का ज्यादा लगेगा तो ज्यादा मूव करेगा ना भाई, जब ऊपर प्रेशर ज्यादा, धक्का ज्यादा है तो ये मूव करेगा, तो मूव करेगा, यहां से सॉल्यूट जाना नहीं, तो क्या मूव करेगा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, सो दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज टू बी ऑस्मोसिस। तो कॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो बेटे, अब कोई डाउट है किसी को? तो चलो एक अपन क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे से, ताकि हमें समझ में आ सके कि तुम लोग को क्लियर है कि नहीं है। मैंने क्या किया बेटा, एक वेसल लिया, ये वेसल लिया, और इस वेसल में ऐसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपन ने लगा, ये SPM है। इस साइड बेटे मैंने 2 मोलर KCN सॉल्यूशन, ठीक, KCN सॉल्यूशन जिसमें KCN वाटर में डिसॉल्व है, KCN वाटर में, KCN सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व है, और इस साइड बेटा FeCN का होल ट्वाइस, इसका बेटे मान लो 1 मोलर सॉल्यूशन है,
वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इन वॉटर, ठीक, इधर टू मोलर सॉल्यूशन ऑफ केसीएन, टू मोलर सॉल्यूशन ऑफ केसीएन इन वॉटर, ये है। और मैंने तुमसे बोला कि ये वेसल वे है, ये वेसल ए है, ये बी है, और ये कहा कि जब केसीएन FeCN2 से रिएक्ट करता है, जब KCN FeCN2 से रिएक्ट करता है, या इसको ऐसा कर लेते हैं, पूरी तरह से बना देता हूं, यहां पे K4FeCN का होल सिक्स लिख देना, ठीक, K4FeCN का होल सिक्स लिख देना, और यहां पे आपने FeCl टू लिख देना है, या FeCl3 लिख देना है, ठीक। और मैंने कहा कि FeCl3 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है जी, तो से ब्लड रेड कलर बन रहा है, ब्लड रेड कलर बन रहा है, तो आपको बताना है ब्लड रेड कलर अपीयर्स इन, ब्लड रेड कलर अपीयर्स इन, ठीक, किस में अपीयर करेगा, ए में, बी में, बोथ में, या नन में, जल्दी बोलो फटाफट, शाबाश। सुखमन ने मुझे आंसर दिया है, ठीक, और बताओ, आर्यन ने भी एक आंसर दिया है, और आर्यन का आंसर बहुत सही है, बाकी तनिष्का ने भी दिया है, खुशी ने भी दिया है, खुशबू भी दे रही है आंसर, यस परी आप आंसर दे मुझे, पलक ने भी दिया है आंसर, निष्ठा आंसर दे, भावना, परी, अब देखो उत्तर, इसी को कहते समझदारी, इसका आंसर होना है नन, सिर्फ और सिर्फ आर्यन ने दिया आंसर नन, क्यों, ओ बेटा ये भी सल्यूट है और ये भी सल्यूट है, बेटा क्या सल्यूट पास ऑन करता है, तो क्या यहां से सल्यूट इधर जाएगा या इधर जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, वाटर, अरे वाटर के रिएक्शन से थोड़ी कलर आना था, कलर तो आना था इसके और इसके रिएक्शन से, कलर आना था इन दो के रिएक्शन से, पर मेरे प्यारे बच्चों इन दो का रिएक्शन से कलर आना था, डेफिनेट बात थी हमारे पास, पर बच्चे ये दोनों क्या रिएक्ट किए, क्या ये पास पास आए, मूव तो क्या किया, वॉटर, तो वॉटर से थोड़ी कलर आना है, तो आंसर क्या आना चाहिए था, नन, बोलो समझ में आई मेरी बात, तो हमेशा याद रखना क्या मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, क्या मूव करता है, सॉल्वेंट। एक्चुअली मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, ये रिएक्शन वैसे होता है केसीएनएस के साथ, मैंने इसलिए जानबूझ के केसीएनएस नहीं दिया, ठीक, कि हो सकता है कई बच्चे को पहले से थोड़ा पता होता है, आइडिया होता है, मैं वो चाहता नहीं था, ठीक, प्लस वन में करवाया जाता है ना, तो हमें यह बोल दिया जाता है कि केसीएनएस के साथ FeCl3 का रिएक्शन ब्लड रेड कलर दे रहा है, ठीक है जी, तो किस साइड होगा, बोलना किसी भी साइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कभी मूव नहीं करता, सॉल्वेंट मूव करता है, तो यहां से हमें ऑस्मोसिस का ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया, ऑस्मोसिस क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो, अब देखो बेटे ऑस्मोसिस का अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन चाहें, ठीक, ऑस्मोसिस बहुत ही मजेदार चीज है, ऑस्मोसिस का अगर डेमोन्स्ट्रेशन चाहें तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, देखो बेटे ऑस्मोसिस बड़े मजे की काम, बड़े मजे की बात है ऑस्मोसिस होना, कभी मतलब देखो डेली लाइफ में यूज ही बहुत है, घर पे कभी मूली लेके आते हो, गाजर लेके आते हो, है ना, और बाई चांस वो दो दिन यूज नहीं हुई, या मान लो खीरे लेके आए, ऐसा कोई भी चीज यूज किया, ठीक, आजकल लीचियां चली हुई, लीचियां लेके आए, तो थोड़े दिनों बाद ना वो मूली ऐसी हो जाती है ना जी, या फिर वो गाजर ऐसी सी हो जाती है, ठीक,
या आलू बड़े वो थोड़े से ऐसे से हो जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, अब आपको क्या करना है, आप उसको पानी में रख देंगे। पानी में रखेंगे तो क्या होगा, पानी में रखेंगे तो पानी उसके अंदर जाएगा, क्यों, बाहर तो कंसंट्रेशन है नहीं, तो पानी गाजर के अंदर जाएगा या मूली के अंदर जाएगा, मूली फिर से टैंग, है ना भाई, वैसे ही गाजर पूरी तरह से वैसी बन जाएगी, बिल्कुल टना टन। सो दैट इज ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोसिस। जैसे अब देखो बेटे, बड़ी मस्त सी कहानी सुनाते हैं आपको। हमने कहा कि ऑस्मोसिस जो होती है, दैट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ठीक, फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। अब मुदिता जी मेरे को ये कहेंगी कि सर हमारे को बायोलॉजी में पढ़ाया गया था कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है। सर मेरी बायोलॉजी की क्लास किताब में भी ऐसे लिखा है, इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और आप उल्टा बोले जा रहे हैं लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, ये क्या चीज है? बेटा मुदिता ध्यान से सुनना, बायोलॉजी की बुक में जो भी बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें लिख दिया जाता है इट इज फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, यानी जहां वॉटर ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली जहां वॉटर ज्यादा वहां कंसेंट्रेशन कम है। एक्चुअली बायोलॉजी वालों को कंसेंट्रेशन शब्द का मतलब तो पता नहीं है, तो वो सॉल्वेंट की भी लगा देते हैं कंसेंट्रेशन, जबकि मैंने बोला कि कंसेंट्रेशन टर्म इज ओनली अप्लाइड टू सॉल्यूट, पर वो लगा देते इट्स, यानी अपनी है, जहां वॉटर ज्यादा है वहां से वॉटर कम की साइड फ्लो करेगा, इसलिए ऐसे बायोलॉजी में लिख दिया जाता है फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट अदरवाइज इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की अपनी कंसेंट्रेशन नहीं होती है, कंसेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट की होती है, तो सॉल्यूट की हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्यूट की लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहा करते हैं। तो बेटा अभी फटाफट सारे बच्चे यस कर दें कि सर ने जो जो अभी तक पढ़ाया वो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, तो मैं आगे चलूंगा। जल्दी शाबाश, दिया का यस मेरे पास आ गया है, अमित का आ गया, तनिष्का का आ गया है, भावना का आ गया, कार्तिक एन का आ गया, जल्दी करो, सुखमन का आ गया है, पलक का भी आ गया, वेरी गुड, अक्षित कोई जवाब दो भाई, गौरव का आ गया है, परी का आ गया है, सान्या, खुशबू, ओके, जानवी, वेरी गुड, आपका काफियों का आंसर आया, प्राची। चलो ये सारा था ऑस्मोसिस कैसे हुआ। अब ऑस्मोसिस की तरह तरह की चीजें हमें समझनी है, तरह तरह की चीजें हमें ऑस्मोसिस में समझनी है। देखो बेटे ठीक, अब हम डिस्कस क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम वापिस आएंगे इसी ऑस्मोसिस के बायोलॉजिकल फीचर्स की तरफ, ठीक, बायोलॉजिकली हम इसको कहां यूज करते, कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन लोग पाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पाई से, इट इज रिटन विद पाई, ठीक, और पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये होता क्या है। देखो बेटे हमने ऐसा किया कि एक इस तरह का वेसल लिया, ये इस तरह की देखो एक अरेंजमेंट ले ली है, ठीक, इस अरेंजमेंट में यहां बेटे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने यहां से लगा दी, दिस इज SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा जी। अब यहां पे बेटे मैंने 1 मोलर ग्लूकोज ले लिया है और यहां बेटे मैंने 2 मोलर ग्लूकोज ले लिया है, ठीक है जी, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, दोनों की तरफ ऊपर एक ना फ्रिक्शनलेस और मासलेस पिस्टन दोनों के ऊपर लगा दी, इसके ऊपर अपनी, इसके ऊपर अपनी, दोनों के ऊपर एक पिस्टन लगा दी है, ये पिस्टन है,
ठीक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ मेरे को कि ऑस्मोसिस जो है, अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, ठीक इस साइड को मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो फटाफट से बताओ ऑस्मोसिस किस साइड से किस साइड की तरफ होगी। Obviously from the lower concentration to higher concentration, बिल्कुल सही, यानी movement of solvent from here to here, here to here, समझ में आई, यानी movement होगी from B to A, ठीक solvent moves from B to A। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, जब ये मूवमेंट होती रही तो आफ्टर सम टाइम होना ये चाहिए कि ये वाला इसको धक्का मिलेगा भाई, ये वाली पिस्टन को धक्का मिलेगा, ये ऊपर उठनी चाहिए और ये वाली पिस्टन नीचे आनी चाहिए, क्यों सही बोल रहा हूं भाई, ये वाली पिस्टन नीचे आनी चाहिए, ये वाली पिस्टन ऊपर जानी चाहिए ना भाई, क्योंकि जब सॉल्वेंट यहां जाएगा तो यहां ये ऊपर की तरफ को जाएगी, पर मैं नहीं चाहता कि किसी की तरह ये ऊपर जाए, मैं इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहता, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस। तो एक बात बताओ कैसे स्टॉप करूंगा, क्या तरीका है, मैं इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगा दूंगा, एक पुश लगा दूंगा, एक प्रेशर लगा दूंगा, एक वो प्रेशर लगा दूंगा जिससे ये ऊपर की तरफ को आ रहा था, जितना प्रेशर ये ऊपर की तरफ को आ रहा था उतना प्रेशर मैंने लगा दिया, अब पिस्टन उठ नहीं रही है, ऑस्मोसिस रुक गया है, तो ये जो प्रेशर है उसको बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, सो दैट इज कॉल्ड एज पाई। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को excess of pressure which must be applied, excess of pressure which must be applied to check the osmosis, to check the osmosis, osmosis को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू चेक द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, या ऐसा बोल सकते हैं द प्रेशर अप्लाइड टू चेक द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट into the solution, ठीक है जी, क्या बोला, excess of pressure applied to check the entry of solution into the entry of solvent into the solution, that is called as osmotic pressure, या scientific भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं excess hydrostatic pressure that develops due to osmosis, जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हुआ यहां पर जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है उतना ही लगाना पड़ेगा ना प्रेशर, तो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ सॉल्यूशन ठीक, जो यहां पे एक्सेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी सॉल्वेंट का जो एक्सेस ऑफ प्रेशर यहां बना ड्यू टू ऑस्मोसिस ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने तीन तरह से डिफाइन करके दे दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हो, बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हुआ कितना प्रेशर यहां बना, क्योंकि जितना प्रेशर यहां बनेगा, जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां डेवलप होगा ऑस्मोसिस की वजह से, उतना ही प्रेशर उसको रोकने के लिए चाहिए होगा,
तो एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड, एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू चेक द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो किसके बराबर होता है, जितना प्रेशर यहां पे बनता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से जितना प्रेशर बढ़ा इनसाइड द सॉल्यूशन उतना ही तो ऊपर से लगाना पड़ेगा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस is also called as osmotic pressure. Yeah, with excess of pressure which must be applied on the solution so as to check osmosis. Osmosis ko rokne ke liye jo pressure lagana hoga usko osmotic pressure bolna. Samajh mein aayi bete baat? Mere pyare bachchon clear ho gaya? Jaldi jaldi aise likhe ताकि बहुत कुछ बताना है इसके अंदर बेटा। मैंने बड़ा मजेदार टॉपिक है, अभी तो तुमने शुरू किया है, अभी मजे लो इस टॉपिक के, पूरे मजे दूंगा ठीक। ऐसी चीजें अभी कान खड़े होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे ठीक। देखो बेटा, चेक मींस बेटा सुखमन, चेक का मतलब रोकना, चेक का मतलब रोकना, एंटर नहीं होने देना ठीक। हमने इसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बेटे सुखमन? चलो अब देखो बेटे, हमारे पास ये एक और चीज मैंने ली, ध्यान देना, ये मैंने अब ना एक ऐसा सिस्टम लिया है, समझते जाना धीरे धीरे, फिर बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने का भी ना ठीक। और इसमें मैंने ना दो जगह पे बेटे जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, एक यहां पर एक यहां पर ठीक है जी। क्लियर हो गया? ये दो जगह पे सेमी परमेबल मैंने लगा दी, SPM SPM। अब मैंने रिस्पेक्टिवली यहां पे मान लो 3 मोलर ग्लूकोज ले लिया है, यहां पे 2 मोलर ग्लूकोज ले लिया है, और यहां 1 मोलर ग्लूकोज ले लिया है। 3 मोलर ग्लूकोज, 2 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर। अब जो वाटर है इस सॉल्यूशन से वो कहां जाएगा? यहां से वाटर इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियसली यहां से वाटर इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन। तो बेटे ज्यादा पानी इधर जा रहा है, तो अगर इसका पाई में 1 बोलूं ठीक, इसका पाई में 2 बोलूं, इसका पाई 3 बोलूं, तो मेरे को ये बताओ पाई 1 बढ़ा कि पाई 2 बढ़ा कि पाई 3 बढ़ा? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा बड़ा होगा, पाई 1, पाई 2, पाई 3? जल्दी बोलो। पाई 1 सर। ऑब्वियसली, अरे जहां यहां तो जा रहा है तो यहां बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसको रोकने के लिए प्रेशर भी ज्यादा चाहिए होगा। अरे यहां से यहां गया और यहां से यहां घुसता जा रहा है, यहां से यहां घुसता जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 3। देखो बेटे ये तो समझ में आ रहा है, जितना कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है मतलब उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पर अगर वेपर प्रेशर की बात करते तो क्या लिखते, वेपर प्रेशर की बात, वेपर प्रेशर 1 शुड बी लेस देन वेपर प्रेशर 2 शुड बी लेस देन वेपर प्रेशर 3। क्यों जी भैया? जहां वेपर प्रेशर ज्यादा है वहीं से दूसरी धक्के की वजह से तो आगे जा रहा है, जहां वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसकी वजह से धक्का लग रहा है, तो वेपर प्रेशर बिल्कुल उल्टा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, ध्यान रखने का। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। बोलो बेटा ये समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, किसी को कोई डाउट हो। लेकिन अब देखो बेटे,
यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे, देखो कई लोग ये सोच लेते हैं कि जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, बात सही भी है, हम ये भी बोलते हैं कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्वियसली ठीक। तो यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था। अब बेटा तो इस तरह की सॉल्यूशन जो होती है आपस में रिलेशन में देखें तो एक होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना ये बात बेटा, क्योंकि इसके बाद दुनिया बदल जाएगी हमारी समझने में, बहुत मजा आएगा यार चीजों को। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब लेस बेटा, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है दूसरों के मुकाबले उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। बेटा ऑब्वियसली कंपैरिजन में होगा, जैसे जैसे यहां पे ये सॉल्यूशन वन, ये सॉल्यूशन वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो हम बोल सकते हैं टू इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू वन, एज कंपेयर्ड टू वन, वन के मुकाबले टू हाइपोटोनिक, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। और इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करूं टू की, इसका ये वन है बेटा, ये टू है, ये थ्री है, और अगर थ्री की बात करूं तो थ्री इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू टू एंड थ्री, इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है, तो ये इन दोनों के मुकाबले हाइपोटोनिक है। यानी सिंपल बात समझना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका कम वो हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस, ठीक। इसी तरह से दूसरी होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक, सॉल्यूशन हैविंग, सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक होती है। जैसे ये सॉल्यूशन नंबर वन है, वन इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू टू एंड वन, वेयर एज टू इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर्ड टू वन। टू, अगर टू को देखें इसके मुकाबले यहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो फर्स्ट के मुकाबले ये हाइपोटोनिक है, लेकिन थर्ड के मुकाबले ये हाइपरटोनिक है। एक दूसरे के कंपैरिजन में होती ना सॉल्यूशंस, है ना भाई। एक क्लास में तीन बच्चे हैं, एक डफर है, एक मीडियोकर है, एक इंटेलिजेंट है। जो मीडियोकर है इंटेलिजेंट के मुकाबले लेस इंटेलिजेंट है, बट डफर के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट है। सिमिलरली यहां जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो हाइपोटोनिक। सर बोलो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये बात बहुत आसानी से समझ नहीं आती है, जल्दी बोलो आ गया बेटा। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, ठीक। हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर कम, हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, क्लियर। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, ठीक। वन जो है दैट इज डेफिनेटली हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू टू एंड थ्री, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, ठीक। और टू जो है वो थ्री के मुकाबले हाइपरटोनिक है, वन के मुकाबले हाइपोटोनिक।
बोलो भाई समझ में आई कि नहीं? अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में। जो हमारे पास अगर हम यहां देख रहे थे, इन दो में कंपेयर कर रहे थे, मान लो इन दो में कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैंने बोला ये हाइपर है और ये हाइपो है। तो हाइपर से हमेशा हाइपर की तरफ वाटर आता है, यानी हाइपरटोनिक गेन्स सॉल्वेंट। हाइपरटोनिक हमेशा सॉल्वेंट गेन करता है और हाइपोटोनिक लूजेस सॉल्वेंट। हाइपोटोनिक हमेशा सॉल्वेंट लूज करता है, हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट इधर जाता है, हाइपरटोनिक में हमेशा सॉल्वेंट आता है, क्योंकि मूवमेंट ही ऐसी होनी है ना भाई। क्यों सही बोल रहा हूं कि नहीं? इस साइड हमेशा सॉल्वेंट आएगा, इस साइड से हमेशा जाएगा, इस साइड से बिल्कुल जाएगा। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है, हाइपोटोनिक लूजेस सॉल्वेंट, हाइपरटोनिक गेन्स सॉल्वेंट। अब तुम्हें एक बड़ी मस्त बात बताता हूं। आप बोलोगे कि सर एक दूसरे टीचर ने पढ़ाया कितनी जल्दी समझ में, आपने पढ़ाया इतना मुश्किल लगा हमारे, पर किसी दूसरे सर ने पढ़ाया था, कहा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक है, हमें चुटकी में समझ में आ गया। आप ऑस्मोटिक प्रेशर करी जा रहे हो। बेटा जिसने ये बोल दिया ना जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है, वो लड्डू है, उसको आता ही कुछ नहीं है। मैं आगे प्रूव कर दूंगा कि कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर भी चीज हाइपोटोनिक हो सकती है। ठीक है, तो बेटा प्लीज कंसंट्रेशन पे नहीं जाने का। 99.9% लोग यही पढ़ाते बेटा, कंसंट्रेशन ही पढ़ाते। आप जरा कॉपी देखना अपने दोस्तों की, तो यही पढ़ाया गया होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन कम वो हाइपोटोनिक। ये गलत हो सर, आपका भी तो यही बन रहा है, आप हमारे को लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, इसकी कंसंट्रेशन कम थी, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके मुकाबले कम था, इसकी और कम थी और कम था, तो भैया तभी इसको हाइपरटोनिक बोला। तो सर बात तो वही है, नहीं है वो बात, कंसंट्रेशन को नहीं बोलना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया हूं, जब इलेक्ट्रोलाइट लूंगा दुनिया पलट जाएगी। समझ में आई? तो वो आगे, वो कथा करेंगे आगे, अभी नहीं। प्रूव कर दूंगा कि भैया कभी भी कंसंट्रेशन से हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं होता, ठीक ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है। ठीक, अब एक होती बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अनदर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस उनको बोलते हैं सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक। जैसे एक बात बताओ, आप में से मेडिकल किस किस के पास है, जल्दी हाथ खड़े करना, जल्दी बोलना, टाइम मत लगाना। अरे किसके पास हाथ ही दिख रहे हैं मेरे को, बंदा तो बताओ। अच्छा जानवी, अच्छा जानवी जी, एक yes, बात बताओ, एक yes, बात बताओ, आप डॉक्टर बन गई, मान लो जी आप डॉक्टर हैं, ठीक आप डॉक्टर बन गई और आपने एक क्लिनिक खोल लिया। Yes, क्लिनिक खोल लिया, आपके पास एक बंदा आता है जो डिहाइड्रेट हो गया, रात से उसको वॉमिटिंग्स लगी हुई हैं, डायरिया है, डिहाइड्रेट हो गया, उसको क्या चढ़ाएंगे आप? ग्लूकोज। बस ले लिया पंगा काके, जब बेटे कभी भी डिहाइड्रेशन हो ना तो ग्लूकोज नहीं चढ़ाना, मार डालोगे बंदे को तुम। क्या चढ़ाना? सेलीन सोल्यूशन, NaCl। ठीक, वो हर बोतल लटकी हुई ग्लूकोज नहीं होती, हर ग्लूकोज नहीं होती, वो सेलीन सॉल्यूशन होता है बेटा। समझ में आई? क्यों? हमें उसके बॉडी का
कंसंट्रेशन वैसे लाना है कि वो पानी को रिटेन कर सके, ठीक है। तो एरिन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं बेटा, याद रखना डॉक्टर बनने के बाद कि भैया जब कभी भी कोई डिहाइड्रेट होकर के आएगा ना तो उसको सेलीन चढ़ाना है, ठीक। ग्लूकोज किसको चढ़ाते हैं, जो बंदा खा पी नहीं सकता बेटा, जिसको एनर्जी की बहुत जरूरत है वो खा पी नहीं रहा, वो खाया पिया नहीं है या एनर्जी बहुत खत्म हो गई है उसकी, उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अदरवाइज हमेशा ड्रिप चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं NaCl सॉल्यूशन। तो बेटा 0.91% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ये बहुत मजेदार टॉपिक आया अब देखना, ठीक। क्या कहा कि 0.91% आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, 0.91% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, वहीं पे ग्लूकोज तब चढ़ाते हैं जब बंदा खा पी नहीं सकता, तो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है जी, 0.91% NaCl solutions आर आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। तो जब भी सेलीन चढ़ाना है तो इतना चढ़ाना है, और 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इस ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है, ध्यान में रखना है। सानवी कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे? No, for medical, you asked. ठीक है ठीक है, अभी आपसे भी बात करते हैं, ठीक। अब एक बात हमने ये समझ ली है, क्या समझ ली है, एक बात हमने समझ ली है कि भैया हाइपोटोनिक जो होगा दैट लूजेस सॉल्वेंट, उससे सॉल्वेंट लूज होगा, और जो हाइपरटोनिक होगा दैट ऑलवेज गेन्स सॉल्वेंट, जो हाइपरटोनिक होगा वो सॉल्वेंट गेन करेगा। अब एक मस्त क्वेश्चन समझते, क्या हुआ कि जानवी जी की वजह से देखा देखी, मान लो कार्तिक इनको जोश आ गया, उसने ना इंजीनियरिंग छोड़ के सीधे डॉक्टरी कर ली, अभी कार्तिकेन अंग्रेजी, अब क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, ठीक है। अब इसकी क्लिनिक में कोई बंदा डिहाइड्रेट होकर के आ, ठीक है जी, अब जैसे डिहाइड्रेट होकर के इसकी क्लिनिक में बंदा आ गया, तो इसको याद था कि सर ने बोला था NaCl चढ़ाना है, तो उसने सेलीन की बॉटल खोजी अंदर, देखा सेलीन ही खत्म हो गया हुआ है, इसको लगा यार बंदा तो भाग जाएगा, तो चलो यार कस्टमर है रोके रखना है, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया कि भैया NaCl सॉल्यूशन ही तो है, नमक ही तो डालना है, उसने पानी में नमक खोल दिया, ठीक, पर ना इसको पता नहीं था कितना है, इसको ना कुछ 5% याद आता जा रहा था, क्योंकि 0.91% बड़ा अजीब है, इसको ना 5% याद आता जा रहा था, इसने 5% नमक घोल दिया, बोतल में डाला, बंदे को चढ़ाया, क्या होगा, ये बंदे का बचा कुचा पानी भी नहीं छोड़ लेगा, मतलब ये बंदे का बचा कुचा पानी भी नहीं छोड़ लेगा, क्यों, क्योंकि 5% जो है वो इसका हाइपोटोनिक की जगह क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक। 5% कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई ना इधर, तो बेटा वो हाइपोटोनिक की जगह क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, यानी हाइपरटोनिक विल गेन सॉल्वेंट, हाइपरटोनिक विल गेन सॉल्वेंट, समझ में आई बात। अब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, वो बंदे का पानी नहीं छोड़ेगी, बचा कुचा पानी भी नहीं छोड़ गया बंदे का, है ना, बंदा ठा। अब एक बार बंदा ठा हो गया, अगली बार से कार्तिकेयन को समझ में आ गया नहीं कुछ गड़बड़ थी, अगली बार फिर से डिहाइड्रेट होके बंदा आ गया, अब इसको था कि यार 5% तो पंगा पड़ा था, तो शायद 0.5% होगा, क्योंकि ये तो कभी दिमाग में आने वाला ही नहीं है ना, उसने 0.5% ग्लूकोज फटाफट से पानी में मिक्स किया, नमक और चढ़ा दिया 0.5%। अब क्या होगा, बंदा फूल के मर जाएगा, समझ में आई, क्यों, क्योंकि अब अगर 0.5% है तो हाइपोटोनिक, क्या है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक विल लूजेस सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक विल लूजेस सॉल्वेंट, तो भैया सॉल्वेंट लूज होगा, ठीक।
सॉल्वेंट निकलेगा इस सॉल्यूशन से और वो ब्लड के अंदर जाएगा, तो ब्लड से वो सॉल्वेंट बाहर आएगा, बंदा फूलने लग जाएगा। हाँ तो बेटा याद रखना कि हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही चढ़ाना है। अगर ग्लूकोज चढ़ाना 5%, NaCl चढ़ाना है तो 0.91%। देखो बेटा दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक होते हैं इंट्रावीनस, वेन्स के अंदर लगाते हैं, यहां पर सीधे है ना इंट्रावीनस, और एक होते गलत गलत जगह पे लगाते हैं ट्विंग, है ना भाई, या यहां लगाएंगे जहां मास ज्यादा होगा, है ना वहां लगाएंगे, ठीक। वो होते इंट्रामस्कुलर, नो कौन से इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर होते कौन से इंट्रावीनस होते डॉक्टर को नहीं पता होता, ये केमिस्ट को ही पता होता है। देखो बेटा जो आइसोटोनिक है ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक सीधे ब्लड में डाल दिए वो इंट्रावीनस होते हैं, वो इंजेक्शन इंट्रावीनस होते हैं, समझ में आई बात। और जो बेटा व्हाट यू कैन से हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होते हैं वो बेटा मसल मास में लगाए जाते हैं ताकि मसल से पास ऑन होते होते उसकी कंसेंट्रेशन बराबर हो जाए ब्लड प्लाज्मा के, तब वो ब्लड के अंदर जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं ड्रिप के अंदर डालते हैं इंजेक्शन, या ग्लूकोज की बॉटल के अंदर डालते हैं इंजेक्शन, डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। तो जब बहुत हाई कंसेंट्रेशन वाले कोई लगाने हो ठीक, तो सीधे ड्रिप में डालते हैं ताकि वो ब्लड तक पहुंचते पहुंचते आइसोटोनिक होता है ठीक, और ब्लड में आसानी से घुल मिल जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो यस और नो। मतलब मेरा समझाने का ना मकसद क्या था, इतना सब कुछ सिर्फ ये था कि भैया जो हाइपोटोनिक होता है ना दैट ऑलवेज लूजेस सॉल्वेंट, और जो हाइपरटोनिक होता है हमेशा वाटर को या सॉल्वेंट को गेन करता है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्या हुआ हमारी मुदिता जी है, एक दिन बड़ी भूख लगी हुई थी, मैं नहीं जानता मुदिता नॉन वेज है कि वेज है, आई डोंट नो, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना। तो मुदिता जी को बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई थी, घर गई, घर पे एक ही अंडा पड़ा था, और भूख बहुत जबरदस्त, अंडा एक, क्या किया जा सकता है। इसने उसको बॉयल किया, उसके ऊपर का छिलका उतारा और अंडे को पानी में रख दिया, थोड़ी देर बाद अंडा फूल के हाथी का अंडा बन गया, है ना भाई, बड़ा अंडा। तो मानसिक तौर से तसल्ली हो गई कि बड़ा अंडा खाया भूख मिट गई, क्या हुआ अंडे के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा, पानी में कम, तो पानी इनसाइड अंडा, अंडा बिकम्स मोटा एंड मानसिक तसल्ली, ठीक। अब अगले दिन क्या हुआ, अब भूख ही नहीं थी, अब भूख नहीं थी, मम्मी ने एक अंडा उबाल के रखा था, बोला खाना ही खाना है नहीं तो पिटाई करूंगी, अब भूख बिल्कुल नहीं, खाना पड़ेगा। तो खूब ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, अंडे को उसके अंदर रख दिया, अब कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा, अंडे का पानी बाहर, अंडा छोटा सा पिद्दा सा चिड़िया का अंडा हो गया, है जी, बड़े मजे से खाया, है ना, मानसिक तौर से तसल्ली हो गई, छोटा अंडा खाया, ज्यादा पेट नहीं भरा, हालांकि मटेरियल उतना ही गया है, सिर्फ पानी लूज हुआ है, समझ में आई। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जहां कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है ना बेटा, उसको मतलब यू कैन से किसी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप कोई चीज डालते हो तो वो अपना वाटर लूज कर देती है, ठीक। और अगर मान लो कोई कंसेंट्रेटेड चीज को किसी वाटर में डालेंगे वो फूल जाती है, ठीक है जी, वो फूल जाती है। देखो बेटे जैसे कि मान लो खुशबू जी है, रात को 3 बजे खुशबू जी को बड़ी क्रेविंग हुई या अंगूर खाने हैं, अब रात को 3 बजे अंगूर कहां से आए भाई, और वो भी लॉकडाउन के जमाने में, अब अंगूर खाने तो है ही, तो इसने क्या किया अपने घर में किशमिश देखी, किशमिश समझते हैं ना रेजिन, और उसको पानी में डिप कर दिया, सुबह तक और रेजिन मोटी हो गई, उसके अंदर पानी चला गया, अंगूर बन गए, है ना, भले ही बासी सही कोई बात नहीं, मानसिक तौर से तो थल्ली है, अंगूर खाए, है ना भाई। और उसी तरह से हमारी जो दूसरी शहर जी हैं, इनको किशमिश खाने का बड़ा मन किया, तो इन्होंने क्या करना है, यस बताओ,
अगर किशमिश बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन में पुत्र नमकीन किशमिश खाओगे क्या? अरे लड्डू शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्ट में नहीं, हर चीज सॉल्ट में नहीं होती है, किसमें डालेंगे? शुगर सॉल्यूशन में। खूब ज्यादा शुगर सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे? NaCl और अपने ग्रेप्स, तो पानी बाहर आ जाएगा और वो सूख सूख के क्या बन जाएंगी? वो सूख के श्रिंक हो जाएंगी और क्या बन जाएंगी आपके पास? रेजिन्स बन जाएंगी। पर जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, मम्मी के चित्र खाओगे, जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, ठीक? क्यों? क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है। क्यों? ग्रेप के अंदर जितनी कंसेंट्रेशन है ना बेटा, उतनी कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन आप कभी बाहर बना ही नहीं सकते। ग्रेप के अंदर जितनी कंसेंट्रेशन है उतनी कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन बाहर बना ही नहीं सकते, इसलिए कभी भी ग्रेप से रेजिन ऐसे नहीं बनते बेटा, वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बनते हैं, वो कभी भी एक्सोस्मोसिस से नहीं बनते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोलते जी आम जो है, आम को आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा? गुना श्रिंक कर जाएगा भाई। पानी में डाला तो क्या होगा? गुना फूल के फट जाएगा भाई, ठीक है ना? तो ये समझ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक? नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक, यानी बायोलॉजिकल इसकी एप्लीकेशन जो है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर बेटा पूछा जाता है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डॉक्टर बोलता है कम नमक खाओ। क्यों भाई? बेटा अगर नमक ज्यादा खाएंगे तो ब्लड के अंदर कंसेंट्रेशन उसकी क्या रहेगी? ज्यादा। ब्लड कैसा हो जाएगा? हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक होगा तो क्या करेगा? हाइपरटॉनिक क्या करता है? हाइपरटॉनिक गेन सॉल्वेंट, ठीक है जी, सॉल्वेंट गेन करेगा भाई, ठीक। उससे प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, कैपिलरीज फट सकती हैं, बंदा गोलोराम हो सकता है, तो नमक कम खाएं। ये क्वेश्चन आता है कि कॉमन सॉल्ट जो है, डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि भैया कॉमन सॉल्ट जो है वो कम खाओ, NaCl वगैरह कम खाओ अगर ब्लड प्रेशर है? बोलना अगर NaCl ज्यादा खा दिया तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कंसेंट्रेशन ज्यादा होने से हाइपरटॉनिक हो जाएगा, हाइपरटॉनिक हो जाने की वजह से क्या होगा? क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बेटा कैपिलरीज फट सकती है, बंदा मर सकता है। या फिर कई बार आपको ये किसे सुना होगा कि हार्ट का मरीज जो होता है उसकी पहचान होती है उसके शरीर में जगह जगह स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, खास करके पैरों के पास है ना, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक। जो भी हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है, ऑयडमा बोलते हैं इसको, ऑयडमा स्वेलिंग। क्यों? वो भैया वही बात है, वॉटर लूज होगा ना, ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो वाटर ज्यादा आएगा भैया, वाटर ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली ऑयडमा होगा। बेटा बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पिकल्स हैं, पिकल चटनी, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ऑयल डालते हैं, इसमें ज्यादा ज्यादा नमक डालते हैं, अचारों में नमक बहुत ज्यादा होता है ना यार, ठीक, या ऑयल बहुत ज्यादा होता है ना, व्हाई वी एड मोर ऑयल या मोर यू कैन से नमक, ताकि बाहर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड होगा तो बैक्टीरिया और वायरस का वाटर बाहर निकल जाएगा, एक्सोस्मोसिस वाटर का बाहर निकलना, तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगी और वो डिहाइड्रेट होके मर जाएंगे बेचारे, चीखते चीखते पानी 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 कहके मर जाएंगे। समझ में आई बात? तो जब हम कभी भी कोई अचार लेते हैं, जैली लेते हैं, उसमें नमक ज्यादा डालते हैं, शुगर ज्यादा डालते हैं, कभी जैम खाते हो, कितनी शुगर होती है उसमें, इसीलिए वो प्रिजर्व रहते हैं बहुत समय तक। क्यों? उसके अंदर के बैक्टीरिया वायरस से वाटर बाहर निकल जाते हैं, वो डिहाइड्रेट होके मर जाते हैं, ठीक, इसलिए अचार जल्दी खराब नहीं होगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस जो भी लगेंगे, वायरस तो नहीं है, बैक्टीरिया जो भी लगेंगे उसका वाटर बाहर निचुड़ता जाएगा, वो डिहाइड्रेट रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे अचार कभी खराब ही नहीं होगा।
इसलिए ज्यादा नमक डालते, ज्यादा तेल डालते हैं, समझ में आई? या फिर आप वो देखते हैं सब्जियां बेचने वाले, वो पानी फेंक रहे होते हैं अपनी सब्जियों के ऊपर, क्यों? ताकि वो हाइड्रेट हो जाए, उसके अंदर वाटर चल जाए और वो दोबारा फ्रेश आए। एक आता है प्लांट्स इन मार्शी लैंड। मार्शी लैंड में प्लांट्स जो होते हैं, मार्शी लैंड, दलदली लैंड में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत जल्दी डाई कर जाते हैं, क्यों? रूट हेयर्स के अंदर बाहर मार्शी लैंड में वाटर ज्यादा है, तो बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर रूट हेयर में कम है, मतलब कंसेंट्रेशन ज्यादा है रूट हेयर में, बाहर वाटर ज्यादा, तो वाटर कहां जाएगा? रूट हेयर्स में। रूट हेयर स्वेल कर जाएंगे, स्वेल करके फट जाएंगे, फट जाएंगे तो प्लांट डाई कर जाएगा धीरे धीरे। ठीक, मार्शी लैंड में प्लांट्स जो होते हैं वो डीके कर जाते हैं, बहुत जल्दी डीके करते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पानी अंदर चला जाता है रूट हेयर्स के, रूट हेयर स्वेल कर जाते हैं, स्वेल करके फट जाते हैं, ठीक, और उसकी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो डीके हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? कितने क्वेश्चन बताए हैं, कितनी सारी चीजें बताई सर? एनएसीएल वाला दोबारा बता दो, वो डिहाइड्रेशन वाला। कौन सा डिहाइड्रेशन वाला बेटा? मैं समझा नहीं, इतने सारे तो बताए सर। जब मरीज आता है मतलब कि, अरे मैंने वो तो सिंपल सा मजाक किया, मेरा सिर्फ मकसद ये था जहां पे हाइपरटोनिक होगी उस साइड हमेशा क्या होगा, वाटर की गेन, सॉल्वेंट गेन होगा, और जहां पे हाइपोटोनिक होगा वहां से हमेशा सॉल्वेंट लूज होगा। तो अगर मैं इससे ज्यादा कंसंट्रेशन चढ़ा देता हूं तो सिर्फ वाटर वाटर ही क्या होगा, जाएगा, क्यों? ये बन जाएगा हाइपोटोनिक, एंड हाइपोटोनिक विल लूज वाटर, और अगर कंसंट्रेशन से कम रखता हूं तो बेटा ये हाइपरटोनिक, इट विल गेन वाटर, तो वाटर गेन होगा सिर्फ। समझ में आई बेटा बात? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? अब मुझे एक बात बताओ, आपके किस किस के घर में आरओ लगा हुआ है? आपके किस किस के घर में आरओ लगा हुआ है? आरओ, आरओ सिस्टम। जल्दी बोलो जल्दी यार। अरे आरओ यार सभी के घर पे लगा होता है, ठीक, आरओ जिसको वाटर प्योरीफायर बोलते हो तुम लोग, वो आरओ ही तो होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ सिस्टम जिससे हम वॉटर को प्योरीफाई करते हैं, तो अगली बात आती है ऑस्मोसिस से उल्टा चलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस से उल्टा। जैसे बेटा मान लो मैंने ये एक सेमी परमेबल मैंने लगाई है, यहां मैंने NaCl सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक, या सी वाटर ले लिया है। क्या ले लिया है? सी वाटर। तो सी वाटर में NaCl सॉल्यूशन होता है ना भाई, और यहां पानी ले लिया है। अब ऑब्वियसली पानी इधर को आएगा कि नहीं आएगा? इसके ऊपर एक वेस, हमने क्या लगा दिया? पिस्टन। वो पिस्टन ऊपर को उठनी चाहिए थी, मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया। अब अगर प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर से उल्टा जो ज्यादा लगा दूं, जितना प्रेशर यहां लग रहा है उससे ज्यादा लगा दूं, तो सॉल्वेंट उल्टा मूव करना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन प्रेशर More than osmotic pressure is applied, जब आपने osmotic pressure से भी ज्यादा pressure लगा दिया, तो flow of solvent is reversed, उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ।
तो बेटा उससे यहां पे वाटर यहां जाना शुरू हो जाएगा, यहां नमक इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या बोलते हैं? डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। बेटा समुद्र के पानी से नमक को निकालना, हम समुद्र के पानी से नमक को ऐसे ही निकालते हैं बेटा, डीसेलिनेशन करते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो नमक तो यही रह जाता कि वो तो मूव करेगा ही नहीं। मूव कौन करेगा? वाटर। तो प्योर वाटर यहां मूव करता रहता है, नमक यहां रह जाता है, तो डीसेलिनेशन रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से। आपके घरों में जो आरओ सिस्टम होते हैं उसमें भी ऐसी एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कार्बन की मेम्ब्रेन बोलते हैं लोग, होती कार्बन की नहीं है पर कार्बन की मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें एक पंप लगा होता है, पंप ज्यादा प्रेशर बनाता है, उतना प्रेशर जो ऑस्मोसिस से भी ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है तो पानी उल्टा मूव करता है, गंध यहां रह जाता है, प्योर वाटर आगे चला जाता है। देखो सुखमन, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आराम से समझो। यहां वाटर था, यहां NaCl सॉल्यूशन था, तो पानी इधर जा रहा था, तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर आना था ना बेटे, मैंने उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया यहां पे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो पानी इससे मूव करना शुरू हो गया उल्टा। सो ये उल्टी मूवमेंट जो हो गई जब आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोला। ठीक। तो जो समुद्र के पानी से नमक निकालते ना, तो नमक वाला पानी यहां रखा, उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो पानी उल्टा इस साइड को आ गया, यहां अकेला नमक नमक रह गया, तो दैट इज समुद्र के पानी से नमक निकाल दिया, डीसेलिनेशन। बोल बेटा सुभन, समझ में आया कि नहीं? यस। और जो आरओ सिस्टम है उसमें भी ऐसे होता है। आरओ सिस्टम में क्या होता है? एक पंप लगा होता है, वो बहुत प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगता है, तो प्योर वाटर इधर आता रहता है, गंध इधर रह जाता है मेम्ब्रेन के अंदर अंदर, और प्योर वाटर इधर, ऐसे हमारा वाटर प्योर हो जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम का काम है। तो बोलो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे लिखना यस और नो, जल्दी लिखो जल्दी भाई, टाइम बहुत कम। ओके, कल मिलते हैं 1:00, चैप्टर फिनिश कर, कल मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगा। कल मेरे को पहले करवाने न्यूमेरिकल्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, आज मैंने थ्योरी पढ़ाई है तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बहुत सारा कुछ पढ़ाया है, आज रात तक वीडियो डाल दूंगा, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम समझ में आनी हो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक? कल का टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे। कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे। कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे। तीन बार इसलिए बोला भाई, लोगों को याद ही नहीं रहता।